बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक स्टडी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो बार बार रिपीट होते हैं, इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज़ आएंगे भी सही आपके टेस्ट में, तो उसकी सीरीज़ में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैं नज़रिया पाकिस्तान के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुका हूँ, और साथ ही साथ अभी हम तहरीक पाकिस्तान के टॉपिक पर हैं और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की गई, तो ये कब कायम की गई? तो इसका राइट आंसर है आपके पास 1886। ये उर्दू में लिखा हुआ है, इसे मैं साथ में इंग्लिश में भी लिख लूँ। 1886 आपका राइट आंसर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद किसने रखी? तो इसका राइट आंसर है आपके पास A.O. ह्यूम नामी अंग्रेज था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट MCQs है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद कब रखी गई? तो इसका राइट आंसर आपके पास 1885 है। इस तकसीम बंगाल हुआ, ये जो पहली तकसीम बंगाल हुई थी वो आपके पास 1905 में हुई, यानी 1905 में आपके पास पहली तकसीम बंगाल हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? शिमला वफद कब रवाना हुआ? तो इसका राइट आंसर आपके पास 1906 है। शिमला वफद की क़यादत किसने की? तो इसका राइट आंसर आपके पास सर आगा खान है। मजीद ऑप्शन आप देख लें, कायदे आजम, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, तो आप कन्फ्यूज ना हो। तो सर आगा खान ने शिमला वफद की क़यादत की थी। शिमला वफद डैश पर मुश्तमिल था कितने अफराद पर? तो इसका राइट आंसर आपके पास है 35 अफराद। ये 35 अफराद पर मुश्तमिल था। यहाँ पर MCQs जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 35 अफराद नहीं है, उसमें 40 अफराद का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन 40 नहीं 35 अफराद पर मुश्तमिल था जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक। शिमला वफद ने मुलाकात किसे की, यानी जो वायसराय था शिमला में वो कौन था उस टाइम? तो इसका राइट आंसर आपके पास लॉर्ड मिंटू है। मजीद ऑप्शन भी आप देख लें, लॉर्ड कजन, लॉर्ड लटन और लॉर्ड मार्ले। तो ये जो वायसराय हिंद थे यानी इंडिया के वायसराय, इनका MCQs लाजमी ही आता है। मैंने लास्ट टाइम जितने भी MCQs वाले पेपर देख रहा हूँ, खसूसन ईटा के, उसमें ये MCQs इनके वायसराय से रिलेटेड बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से देख कर जाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मुसलमानों को जुदा गाना तर्ज इंतखाब का हक कब मिला? तो इसका राइट आंसर आपके पास 1909 है। यहाँ पर भी ये ऑप्शन मौजूद है। मुस्लिम लीग बनाने की तजवीज़ किसने पेश की? तो इसका राइट आंसर आपके पास नवाब वकारुल मुल्क है। नवाबुल मुल्क और वकारुल मुल्क जो थे ये आपस में भाई भाई थे, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। क्लियर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट MCQs पर आते हैं। मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया? तो इसका राइट आंसर है 1906 में मुस्लिम लीग बनाई गई थी। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मिसाक लखनऊ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है आपके पास 1916 में मिसाक लखनऊ हुआ, और पहले बता चुका हूँ 1906 में किया हुआ शिमला वफद आपके पास मिला था। किससे मिला था? लॉर्ड मिंटो से मिला था शिमला के मकाम पर। क्लियर है यहाँ तक। कायद आजम मुस्लिम लीग में शामिल कब हुए? तो इसका राइट आंसर 1913 में कायद आजम मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। पहली आलमी जंग शुरू हुई कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर आपके पास 1914 में पहली आलमी जंग शुरू हुई, और कब ख़त्म हुई? 1918 में ख़त्म हुई थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहरीक के अदम तावन किसने शुरू की? तो इसका राइट आंसर आपके पास गांधी है। तहरीक के अदम तावन भी गांधी ने शुरू की, और सदवेशी की तहरीक भी गांधी ने शुरू की, जिसका MCQs आया था लास्ट टाइम, ये जब का सिविल सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये MCQs आया हुआ था, जिसको सिविल नाफरमानी की तहरीक बोला जाता है। और स्वदेशी की तहरीक भी गांधी ने शुरू की थी, जिसके मुताबिक बी इंडियन बाय इंडियन का उन्होंने नारा लगाया था, यानी इंडिया के रहो और इंडिया का ही सामान खरीदो। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बुनियाद रखी गई? तो इसका राइट आंसर आपके पास 1919 है। दूसरी जंग अजीम का आगाज़ हुआ, दूसरी जंग अजीम आपके पास 1939 में स्टार्ट होती है, और यह जाकर आपके पास 1945 में फिर इख्तिताम पसीर होती है। क्लियर है यहाँ तक। ये 6 साल तक चली, और जंग अजीम वन जो थी यानी वर्ल्ड वार वन, वो आपके पास 4 साल तक चली। कांग्रेसी वजारतें मुस्तफ़ी हुई कब मुस्तफ़ी हुई? ये आपके पास 22 दिसंबर 1939 को, इसकी डेट भी आप लिख लें, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेसी वजारतें जो थी वो मुस्तफ़ी हुई, यानी उनकी कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हो गई। और इस दिन को जो मुसलमान थे वो योम निजात के तौर पर मनाते हैं, यानी इसको डे ऑफ डिलीवरेंस बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये MCQs भी आपको मैंने देखा ही है, तो 3 एग्ज़ाम्स में देखा है, ये बार बार रिपीट होता है। तो डे ऑफ डिलीवरेंस आपके पास 22 दिसंबर 1939 है, तो ये आप याद रखने, जिसको उर्दू में योम निजात बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई कब मंजूर हुई, तो इसका राइट आंसर आपके पास 1940 है, 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की थी, तो इसका राइट आंसर आपके पास मौलवी फजल हक है, इनका ताल्लुक जो था वो आपके पास बंगाल से था। ये एमसीक्यूज एक मरतबा आया था कि इनका ताल्लुक कहाँ से था, तो वो भी मैंने कहा आपको बताता चलूँ इनका ताल्लुक जो था वो बंगाल से था, बंगाल के इलाके से। क्रिप्स मिशन कब हिंदुस्तान आया, तो इसका राइट आंसर आपके पास 1942 है, और डेट भी आप याद रख लें 23 मार्च 1942 को जो था क्रिप्स मिशन वो हिंदुस्तान आया था। शिमला कॉन्फ्रेंस आपके पास कब मुनक्द हुई, शिमला कॉन्फ्रेंस आपके पास 1945 में मुनक्द हुई, और डेट भी आप याद रख लें, डेट इसकी थी 25 जून, तो डेट आप लिख लें 25 जून 1945 को जो शिमला कॉन्फ्रेंस ये थी ये मुनक्द हुई थी। और इसी तरह से मैं पहले बता चुका हूँ शिमला कॉन्फ्रेंस और शिमला वफद में फ़र्क है, शिमला वफद जो था वो आपका कब गया था, तो इसका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए 1906 में जो था वो शिमला वफद गया था शिमला के मकाम पर, और शिमला वफद की तादाद कितनी थी यानी कितने मेंबर शामिल थे, तो इसका राइट आंसर 35 है, और उसकी क़यादत किसने की थी, सर आगा खान ने की थी। तो ये एमसीक्यूज भी साथ आपको रिकॉल करा दूँ ताकि आप शिमला कॉन्फ्रेंस और शिमला वफद में कन्फ्यूज़ ना हो। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है काबीना मिशन हिंदुस्तान पहुँचा कब पहुँचा, तो इसका राइट आंसर आपके पास 1946 है, 1946 को जिसको इंग्लिश में कैबिनेट मिशन कहते हैं। लास्ट इकदाम का दिन मुस्लिम लीग ने कब मनाया, इसका राइट आंसर आपके पास 16 अगस्त 1946 है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आता हूँ। 1942 में आम इंतखाबात डैश में हुए, तो कहाँ पर आम इंतखाबात हुए, तो याद रखें राइट आंसर आपके पास बरतानिया है। तो जिस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमने नज़रिया पाकिस्तान से स्टार्ट किया और अभी हम तरीके पाकिस्तान के एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, तो आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।